खनिया थाना पुलिस ने पकड़ा अवैध हथियारों का जखीरा, कुल 20 पिस्टल में 20 जिंदा राउंड व एक कार बरामद। खनिया थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध देसी पिस्टल एवं 20 जिंदा राउंड के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी खनिया थाना धनेंद्र सिंह भदौरिया को मुखबरी द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति कार टैक्सी से हथियार लेकर बेचने के लिए वसई से रेडी चौराहा की तरफ जा रहा है। सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी खनिया थाना धनेंद्र सिंह भदौरिया ने पुलिस टीम के साथ रेडी चौराहा पर चेकिंग लगाई। कुछ देर बाद मुखबरी के बताए अनुसार एक कार टैक्सी आती दिखी, जिसे रोक कर तलाशी ली तो गाड़ी में कुल 20 पिस्टल 32 बोर की एवं 20 जिंदा राउंड कुल कीमती 8,06,000 रुपये बताई गई। उक्त आरोपी गब्बर रजक पुत्र लाल सिंह रजक, उम्र 30 साल, निवासी RS पेट्रोल पंप के पास करैरा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर गब्बर रजक ने बताया कि मैं भागीरथ शर्मा निवासी जयपुर के लिए काम करता हूं। वह मुझे कई बार अपने साथ खरगोन लेकर गया है। वहां से एक बार में 300 से 400 पिस्टल एवं 315 बोर के कट्टे खरीदता है एवं ऑर्डर देकर राउंड बनवाता है। फिर वहां से चोरी छिपे प्राइवेट वाहन से कभी कभी महिलाओं का सहारा लेकर ले आता है और जयपुर आकर टुकड़ों में अपने कुछ परिचित साथियों से हथियार भिन्न भिन्न जिलों में सप्लाई करवाता है। एक हथियार 35,000 रुपये से 50,000 रुपये तक बिकता है एवं एक राउंड 300 रुपये से 500 रुपये तक बिचवाता है। भागीरथ शर्मा निवासी जयपुर कई सालों से ये काम करता है। मैं इसके साथ हथियार सप्लाई के बाद में जुड़ा हूँ। भागीरथ शर्मा जिस्म फिरोसी से लेकर सारे अवैध धंधे करता है व करवाता है। हथियारों के ऑर्डर बल्क मात्रा में कुछ लोग इसको ही देते हैं, फिर ये मुझसे व मेरे जैसे लोगों से ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर से सप्लाई करवाता। ये 20 पिस्टल प्लस 20 राउंड जो है TI खनिया थाना धन भदौरिया और टीम ने बड़ी तत्परता से काम करते हुए रेडी चौराहे पर उसको गाड़ी को पकड़ा। एक गाड़ी को जिसको चेक करने पर ये सारे हथियार मिले हैं और इसका जो लिंक है ये जयपुर से आ रहे थे। जयपुर में इनके एक साथी हैं जिससे वो लेके झांसी आया। झांसी से बाय रोड जो है वो कार में आ रहा था और मेन रास्ते से नहीं होके दूसरे रास्ते से इसलिए आ रहा था कि वहाँ पे कहीं चेकिंग में पकड़ा नहीं जाए, लेकिन इनकी मुखबिर सूचना मिली और उसके आधार पर उन्होंने इसको पकड़ा है। और इससे हथियार जो आप देख रहे हैं पिस्टल जो है ये बरामद हुआ है, जिसमें कि ये पिस्टल जो है बहुत ही अच्छे तकनीकी से बनाया गया है और ये सिकलीगढ़ गिरोह जो है खरगोन का वो उसके द्वारा उसके हथियार को जयपुर वाले ने प्राप्त किया था। कितनी पिस्टल है? 20 पिस्टल है। ये लगभग 35,000 से 50,000 के बीच में ये बेचते हैं जैसा इसे इसने बताया लोगों को और 14-15 हज़ार में खरीदते हैं वहाँ से। सर इन पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हुए थे? ये एक रिकॉर्ड इनके खिलाफ है जो आरोपी अभी यहाँ गिरफ्तार हुआ है कया थाने में और जो आरोपी जयपुर में है उसके खिलाफ भी रिकॉर्ड है।